ये तुम्हारी बहू ना, ये दरअसल डायन है ये। विक्रम बाबूजी, इसने आप दोनों पर जादू टोना किया। बाबूजी, बाबूजी, वो जो टेंडर है ना, कॉन्ट्रैक्ट, वो मेरे हाथ से इसकी वजह से किया। माँ, माँ, मेरे मना करने पर भी इसने उस फाइल पर कुछ सिंदूर लाल रंग का डाला और उस पर जादू टोना किया। देखो देखो देखो, कैसे देख रही है, देखो देखो बाबूजी। नहीं माँ जी, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबूजी, भांडा फूट गया, झूठ बोल रही है क्योंकि पकड़ी गई। बाबूजी, इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। विक्रम, मैं कहता हूँ कि छोड़ दो। बाबूजी क्या कह रहे हैं? बहुत सुन ली हमने तुम्हारी, हर चीज की भी एक हद होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी, हर चीज की हद उसकी हद होती है। आज क्या हो गया तुम्हें, ये कैसे बातें कर रहे हो? मुझे मती मारी गई है इसकी। एक बात कान खोल के सुन लो विक्रम, अगर तुमने बहू को आइंदा हाथ लगाया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मां, 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 सुना आपने, ये जादू टोना नहीं तो और क्या है? अपने खुद के सगे बेटे को एक पराई औरत के लिए घर के बाहर निकालने वाले हैं। मां, मेरा कुछ हक बनता है यहां पे कि नहीं? मां, मेरा कोई हक बनता है कि नहीं यहां पे? हाँ। तो फिर मैं आपको, बाबूजी, बाबूजी, देखो माँ ने भी कहा है मेरा हक बनता है यहाँ पे, और अगर कोई मेरा हक छीनने की कोशिश, अगर तुम मेरा हक छीनने की कोशिश करोगी, अगर ये मेरा हक छीनने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये जादू टोना ये नहीं चलेगा। लीजिए बाबूजी, आपकी दवाई। बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये थोड़ा अजीब से बिहेव करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे बाबूजी। गायत्री सही कह रही है। क्या सोच रहे हैं आप? मैंने एक फैसला किया है रेवती। कैसा फैसला? मैं अपनी बिजनेस की बागडोर गायत्री के हाथ में सौंप देना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी मानी, ऐसा मत कीजिए, इसमें गायत्री और विक्रम में दरार पड़ जाएगी। बाबूजी, माँ जी एकदम ठीक कह रही हैं, इस तरह तो बात और भी बिगड़ सकती है। बेटी, जितनी बात बिगड़नी थी बिगड़ चुकी है। ये फैसला मैंने बड़ा सोच विचार के किया है। विक्रम की जिद पैसा है, वो पैसे को अपनी ताकत समझता है। अगर मैं पैसे की ताकत उससे छीन कर गायत्री के हाथ में दे दूं तो विक्रम कमजोर पड़ जाएगा, वो झुक जाएगा, सीधे रास्ते पर चलाएगा, और शायद उस वक्त सब लोग गायत्री की इज्जत करने लगे। बोलो बेटी, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मेरे तमाम बिजनेस की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो या नहीं? तो ये बात है, लेकिन बेटा ऐसा करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैं मानती हूँ मामा जी, लेकिन बाबूजी मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो पूरा विश्वास है कि मुझे बिजनेस सौंप देने से घर की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। तो तुम अब क्या करोगी? मामी, मैं बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती, मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। मामा, कितनी खुदगर्ज हो तुम। काम नहीं है, बिजनेस के बारे में जानती क्या है? अगर कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो 10 बातें सुननी पड़ेंगी। जब तुमने बिजनेस शुरू किया था तब तुम्हें कोई अक्ल थी? लेकिन मामी,
मैं बिजनेस नहीं संभालना चाहती। क्या मतलब कि तुम संभालना नहीं चाहती? इतने साल तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी शादी करवाई, इतने पैसे खर्च किए, और जब उस एहसान को चुकाने का मौका आया तब तुम पीछे हट रही हो। अपने बेचारे मामा का भी तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया। सुन लो गायत्री, मैंने तुम्हारी शादी विक्रम के साथ इसलिए की थी कि मैं इस रिश्ते का फायदा उठा सकती हूँ। कामनी, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं। गायत्री, ये सुनहरा मौका है और तुम इसे गवाओगी नहीं, समझ गई? कितनी खुदगर्ज हो तुम, अपने बिचारे मामा का भी तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया। बेटी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा, तुम्हारी मामी तुम पे अत्याचार करती रही और मैं चुपचाप देखता रहा। मैं डरपोक नहीं हूं बेटा, बस कभी लड़ नहीं पाया, ना अपने हक के लिए ना तुम्हारे। मुझे माफ कर दो बेटा। मामा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, तुम्हें जिंदगी में हमेशा दुख ही मिले हैं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम खुश होगी, लेकिन ससुराल में भी ये। मामा जी, जो तकदीर में लिखा है वो तो होगा ही। अब नहीं होगा बेटा, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी मामी को मैं संभाल लूंगा। मेरी बात मान लो बेटा, मुझे पश्चाताप का एक मौका दो बेटा। क्या सोच रही हो बेटे? ये नहीं हो सकता मामा जी। क्यों नहीं हो सकता बेटे? मैंने देवी माँ के सामने कसम खाई है, विक्रम भले ही मुझे अपनी पत्नी ना माने, मैं फिर भी अपना धर्म निभाऊंगी। वो चाहे माजी और बाऊजी को कितने भी दुख दें, मैं फिर भी उन्हें बदलने की कोशिश करूंगी। बेटिया, अगर ऐसी बात है तो तुम कैलाश नाथ जी के बिजनेस की जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर सकती। अगर तुमने बाऊजी की बात मानने से इनकार कर दिया तो तुम्हारी देवी माँ को दी हुई कसम टूटती है। क्या बात है गायत्री, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ कविता, वो तुम लोगों को मुझसे कुछ काम है? जी भाभी, एक्चुअली हम आपकी परेशानी दूर करने आए हैं। देखो गायत्री, अगर पापा के बिजनेस को कंट्रोल करने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में है तो उसे निकाल दो, वरना आपका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा भाभी। और इतना बुरा हाल होगा तुम्हारा गायत्री कि तुम कभी सोच भी नहीं सकोगी। और प्लीज भाभी, इसे धमकी मत समझिएगा, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। टेक केयर। हेलो गुरुजी, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। नमस्कार कैलाश नाथ जी, कैसे हैं आप? मैं पूछ रहा था कि आपने गायत्री की जन्म पत्री बनाई? ओ, दरअसल गायत्री की जन्म पत्री बनाने के लिए मुझे समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, जैसे ही गायत्री की जन्म पत्री बने
मुझे सूचना अवश्य दीजिएगा। जी अवश्य। नमस्कार गुरुजी। आपने कैलाशनाथ जी से झूठ क्यों कहा? आप तो गायत्री देवी की जन्मपत्री बना चुके हैं। बालक, गायत्री की जन्मपत्री बना चुका हूं और उसे विक्रम की जन्मपत्री के साथ मिला भी चुका हूं। मेरी भविष्यवाणी सत्य है। अब गायत्री के जन्मपत्री के अनुसार उसकी मृत्यु अब दूर नहीं है। बाबूजी, इसका मतलब जानते हैं आप? तुमसे बेहतर कुछ नहीं जानते आप बाबूजी। गायत्री ने आपको अपने बस में कर लिया है। माँ माँ प्लीज बाबूजी को समझाओ, इस पे दस्तखत करने का मतलब क्या है? गायत्री हम पर राज करेगी, उंगलियों पे नचाएगी हमें। अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा प्लीज, आप क्यों खामखा भाभी को हम पर लाद रहे हैं? पापा यू कैन डू दिस। अगर आपने ऐसा किया तो हम सब घर छोड़कर चले जाएंगे। जैसी तुम लोगों की मर्जी। बाबूजी आप समझते क्यों नहीं? गायत्री हमारे परिवार में एक खास मकसद से आई है। वो हम सब में फूट डालना चाहती है, हम सबको बर्बाद करना चाहती है वो। आओ बहू। बहू अब तुम्हारा फैसला। आओ, आओ। आओ, आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Mr. Deshpande, ये मेरी बहू हैं. आज से इस ऑफिस का चार्ज ये संभालेंगे. बेटी, बाकी लोगों से बाद में मिल लेना. पहले तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखा दूँ, जहाँ तुम्हें बैठना है. जी बाजी. कम. तुम रुक क्यों गई बेटी, आओ. भावजी वो आओ बेटी. आज से ये कमरा तुम्हारा है और तुम वहां बैठोगी. आओ. आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? आप इसे मेरे कमरे में कैसे बैठा सकते हैं? बहू, इस कमरे को मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है, किसी को बदलने नहीं दिया. अगर तुम चाहो तो इसे बदल सकती हो. बाबूजी, आप सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं. आओ बैठूंगा. विक्रम, हटो वहां से. बाबूजी, मैं किसी और कमरे में बैठ जाऊंगी. विक्रम, आई सेड मूव. बाबूजी, आप हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? विक्रम, मैंने कहा कि कुर्सी छोड़कर हट जाओ. ये इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बाबूजी. विक्रम, अगर तुम वहां से नहीं हटे तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलवा दूंगा. जी, उन्हें इस तरह से कमरे से बाहर निकालना जरूरी था क्या? बहू, ये ऑफिस है. इस कमरे में वही बैठेगा जो इस बिजनेस को ईमानदारी से अच्छी तरह से चलाएगा. जाओ. इस कुर्सी पर बैठकर तुम्हें बड़े बड़े फैसले करने हैं. चिंता मत करो, हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूं. लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटी, इस बिजनेस को मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से बनाया है. मुझे विश्वास है कि तुम उस बात को कायम रखोगे.